सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। सो गाइस, हमने सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की जो लिस्ट है उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अब हम शुरू कर रहे हैं। सो बेसिकली आज जो हम पहला एल्गोरिदम सॉर्टिंग का पढ़ने वाले हैं वो है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। सो जब मैं कहूँगा आपको कि आपके पास 5 नंबर्स दिए गए हैं अनसॉर्टेड वे में, 3, 1, 4, 2, 5, है ना, जो कि सीरियली 1 to 5 के बीच में है लेकिन अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सॉर्टेड फॉर्म में बता दो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या होंगे, तो आप मुझे इंस्टेंटली आंसर करोगे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बचपन में पढ़ा होता है कि 1 is less than 2, 2 is less than 3, और हमें वो सीरियली ऑर्डर याद रह जाती है कि 1, 2, 3, 4, 5, है ना। बात तो सही है, लेकिन वॉट इन लाइक इन केस अगर हमारे पास ऐसे 10,000 नंबर होंगे जो अनसॉर्टेड होंगे, या फिर 50,000, ऐसे लाइक द नंबर इज़ क्वाइट हाई जो अनसॉर्टेड होंगे, तो क्या आप मैन्युअली उसे सॉर्ट कर पाओगे? एंड इफ़ पॉसिबल उसका जो टाइम लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सो हमारे बिहाफ पे हम इसे सिस्टम में कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अल्गोरिदम हमें लगाना पड़ेगा। सो वैसा ही कुछ एक अल्गोरिदम है जो हमें सॉर्ट करके वैल्यूज़ देता है। तो बबल सॉर्ट की शुरुआत करते हैं हम। बेसिकली बबल सॉर्ट एक ऐसा अल्गोरिदम है जिसमें हम एडजेसेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 3, 1, 4, 2, 5 है ना, हमने जो नंबर लिया है वो है 3, 1, 4, 2, 5। हमारी स्टेप वन ये रहेगी कि हम इस इंटीजर की जो एरे है उसे हम लेफ्ट से लेके राइट तक स्कैन करेंगे, जिसे हम पास भी कहते हैं। हर पास में हम ऐसा करेंगे कि एक एलिमेंट और नेक्स्ट उसकी जो एडजेसेंट एलिमेंट रहेगी उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और मान लो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए या मतलब इंटीजर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो पहला इंटीजर होगा वो उसके इमीडिएट नेबर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि 3 और 1 की बात की जाए तो जो 3 की पोजीशन पे इंटीजर होना चाहिए वो एक्चुअली 1 की पोजीशन से छोटा होना चाहिए, मतलब कि ये स्वैप होनी चाहिए। सो इनकी जगह 1 और 3 आएगा, और जो बाकी के हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारा स्वैप वन ही पास वन ही चालू है, तो स्कैनिंग अभी भी चालू ही है। हमने पहले 2 इंडेक्सेस कवर किए हैं, अब उसके बाद हम 3 और 4 की बात करते हैं। क्या 3 और 4 की ऑर्डर सही है? हाँ, 3 और 4 की ऑर्डर तो सही है, तो हमें उस जगह पे स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 2 की ऑर्डर सही नहीं है, बिकॉज 4 की जो मतलब जो ये इंडेक्स है जहाँ पे 4 है वहाँ की वैल्यू अगले वाले से कम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी 2, 4, प्रिसीडिंग वैल्यूज तो सेम ही रहेगी, और ये 5 एज इट इज़, क्योंकि हमारा एक पास अभी भी चल रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वैल्यूज़ पे, 4, 5, क्या ये वैल्यूज़ सही है अपनी पोजीशन पे? हाँ, ये वैल्यू सही है। तो हमने यहाँ पे एक पास कंप्लीट तो कर दिया, हमने यहाँ पे एक पास कंप्लीट किया, लेकिन क्या हमारा एक्सप्रेशन सॉर्टेड है अभी? नहीं, तो ये जो 1, 3, 2, 4, 5 ये तो सॉर्टेड नहीं है, तो हम और एक बार पास करेंगे सेम स्टेप्स के साथ। पहला इंडेक्स और उसके अगला इंडेक्स इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो क्या ये अपनी जगह पे अभी सही है? हाँ, 1 और 3 तो अपनी जगह पे सही है। तो नेक्स्ट पोजीशंस कंपेयर करेंगे, 3 और 2, यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत है, तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, जब जब यहाँ पे हमने 3 और 2 की पोजीशन स्वैप की तब 2 और 3 आया, 4, 5 एज इट इज़, तो स्वैपिंग अभी भी मतलब चेकिंग जो है वो अभी भी चलेगी 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब वो हम पे डिपेंड करता है कि मान लो किसी पास में हमें स्वैपिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाहिए था वो है ऑलरेडी, तो हमें वहाँ पे अगले पासेस की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे इटरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि बबल सॉर्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो गाइज, तो हमने अभी तो देखा
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, अगर हम इसकी वर्स्ट केस देखेंगे, किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की वर्स्ट केस कब होगी? जब जिन चीज़ों को हमें सॉर्ट करना है किसी ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, और एलिमेंट्स दिए गए हो कम्प्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो होगा उसका वर्स्ट केस। और उसका बेस्ट केस क्या होगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं और ऑलरेडी असेंडिंग में, या फिर डिसेंडिंग में करने हैं और ऑलरेडी डिसेंडिंग में, वो हो गई उसकी बेस्ट केस। तो बेस्ट केस की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ओ ऑफ एन, क्योंकि आप ही सोचिए, आपने एक पास कंप्लीट किया और आपने देखा कि जो आपका डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको तो एक ही स्कैन में आपने रिजल्ट बता दिया कि ये तो सॉर्टेड है, तो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगी। एवरेज केस की बात तो हम वर्स्ट केस की बात करेंगे, तो वर्स्ट केस की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इटरेशंस दोहराने पड़ेंगे कि चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, और फाइनली एन माइनस वन तक ये इटरेशंस चलेंगे जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन में देख ही लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, और एवरेज केस की भी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आती है। तो गाइज ये रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्या हमें इस अल्गोरिदम में ऑक्सिलरी स्पेस लगता है? गाइज आप ही सोचिए कि जब हम स्वैपिंग कर रहे हैं, है ना, तो स्वैपिंग कैसे की जाती है? मैं आपको स्वैपिंग की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली स्वैपिंग में क्या करते हैं हम, एक्स की वैल्यू वाई की जगह, वाई की वैल्यू एक्स की जगह, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प लेंगे, टेम्प यानी कि अगर हमारा एक्स और वाई इंटीजर डेटा टाइप है तो टेम्प भी इंटीजर डेटा टाइप, टेम्पररी वेरिएबल। हम अब इसमें क्या करेंगे, वाई की वैल्यू टेम्प में जाएगी, टेम्प में जो वैल्यू आई वाई की वो एक्स में जाएगी, और एक्स की वैल्यू वाई में जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे स्वैपिंग तो हो गई, मतलब यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी स्पेस एक लग गया, दैट इज ओ ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी इस स्वैपिंग के बाद। तो गाइज ये रहा अल्गोरिदम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो ऑक्सिलरी स्पेस की ज़रूरत पड़ी। अब हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा। मैं आपके सामने कोड करूँगा, आप देख सकते हो, ओके। तो पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, तो गाइस हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है। अब हम मेन फंक्शन लिखेंगे, तो हमने अब मेन फंक्शन लिख लिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम यूज़र को कहेंगे कि तुम्हें किस साइज का एरे बनाना है ना, तो हमने यूज़र से कहा कि तुम्हें किस साइज का एरे बनाना है। अब जो यूज़र एरे देगा वो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसे यूज़र वैल्यू देगा, ठीक है, और हम इसी साइज़ का एक एरे बनाएंगे ताकि जो भी वैल्यूज़ यूज़र देगा उसे हम इस एरे में स्टोर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जो हर इटरेशन में इस एरे के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करता जाएगा। तो वैसे हमने एक फॉर लूप लगाया है जो ज़ीरो से लेके एन, मतलब लेस देन एन तक चलेगा, तो इसमें एन वैल्यू स्टोर होंगी, ओके। हम यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज देंगे कि एंटर द वैल्यूज़ इन एरे, मतलब जो अनसॉर्टेड डेटा होगा वो डेटा यूज़र यहाँ पे इंसर्ट करेगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, अब आती है बात बबल सॉर्ट की। तो हम स्कैनिंग करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो स्कैनिंग के लिए इटरेशंस, गाइज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जो इटरेशंस लगाए हैं वो एन माइनस वन तक लगाए हैं, है ना, एन माइनस वन तक लगाए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सो एन माइनस वन इटरेशन का रीज़न ये है कि आप जब फर्स्ट एलिमेंट और उसके इमीडिएट नेक्स्ट नेबर को एलिमेंट को आप कंपेयर करते हैं, तो जब आप इस जगह पे पहुँचते हैं
तो आप उसके साथ इस एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली आपको इटरेशन इस एलिमेंट तक ही चलाने हैं। अगर आप यहाँ तक चलाओगे तो जे प्लस वन की वैल्यू में 6 आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में आपके एरे के एड्रेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए एन माइनस वन तक। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सो बेसिकली हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हमने पासिस चालू किए हैं, तो अब हमें स्वैपिंग का देखना पड़ेगा। तो फॉर एंड जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई माइनस ओके एन माइनस आई माइनस वन लेस देन देन जे प्लस प्लस स्वैप रे ऑफ जे। तो अभी हम देखते हैं इसमें हमने किया क्या है। एक्चुअली देखिए कि जब हमने पासेस स्टार्ट किए हैं, तो फर्स्ट पास में हमने जैसे देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट और उसके इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो एरे ऑफ जे, यानी कि जब जे इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो 0 और 0 प्लस 1 मतलब 1, इन दोनों का कंपैरिजन रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि कर सकते हो कि ये जो चीज़ें मैंने जो अभी हाईलाइट की है, जो कि जे लेस देन एन माइनस आई माइनस वन है, इसका रीज़न ये है कि जब आप हमेशा मतलब कंपेयर करते 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 आगे जाते हो, तब जो लास्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है, वो अपने सही पे जगह सही जगह पे होता है। मतलब जब आप लास्ट कंपैरिजन करते हो, तब जो एलिमेंट है जो अपनी साइज जगह पे होना चाहिए, वो अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, 3 1 2, अगर मैं इस पे बबल शॉर्ट लगा दूँ, तो आप फर्स्ट यहाँ पे कंपेयर करोगे 1 3, और बाद में इसकी 2 3, मतलब आपके फर्स्ट स्वैप में 3 अपनी जगह आ जाता है। तो इसीलिए हर स्वैप के वक्त लास्ट एलिमेंट, अगले स्वैप में सेकेंड लास्ट और लास्ट, उसके अगले स्वैप में थर्ड सेकेंड और लास्ट, ये अपनी जगह आप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए आपको ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है जो वर्क कर जाता है। तो आपने अभी स्वैपिंग भी कर ली, तो अब हमें यूज़र को सॉर्टेड एरे दिखाना है। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो आई से आई इज इक्वल टू 0 से एन तक चलेगा, और हर इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट होगी। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि फाइनली हम यूज़र को उसका सॉर्टेड एरे दिखाएंगे। तो प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट है, इसलिए तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यूज़र को मैसेज है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे, हमने 5 कहा। हम वर्स्ट केस चेक करेंगे, हम यूज़र की एरे में एलिमेंट्स डालेंगे 5 4 3 2 1। तो सॉर्टेड एरे इज़ 1 2 3 4 5। गाइस इसमें एक छोटी सी और चीज़ है कि जैसे मैं ये जो फंक्शन है हमारा, जिसमें हमने बबल सॉर्ट किया, जो पार्ट है, एक्चुअली फंक्शन नहीं, एक पार्ट है, तो इस पार्ट में आप पास वाइज आउटपुट भी बता सकते हो। मतलब एक पास में क्या क्या चेंजेस हुए, नेक्स्ट उसके पास में क्या चेंजेस हुए, उसके नेक्स्ट पास में कितने चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए। तो बेसिकली ये जो आपका फॉर लूप है, इसके बाद आप डिस्प्ले कर सकते हो कितने पासेस हुए ये भी, और कहाँ कहाँ पे स्वैपिंग हुई, लाइक आप दिखा सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।